अस्सलामुअलैकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बना रहे हैं फजीता राइस। इसके लिए हमें चाहिए चिली गार्लिक सॉस हाफ कप, 1 टीस्पून कुटी काली मिर्च, 3 टेबलस्पून सिरका, 2 टेबलस्पून सोया सॉस, 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट, कुटी लाल मिर्च 1 टीस्पून, नमक 1 टेबलस्पून, पिसी लाल मिर्च 1/2 टीस्पून और ओरिगैनो 1 टेबलस्पून। हमने एक दरमियानी साइज़ की प्याज ली थी जिसको हमने इस तरह लंबाई में काट ली है। 2 अदद शिमला मिर्च ली थी, इसको भी लंबाई में काट ली है, और 1 अदद लाल शिमला मिर्च ली थी, इसको भी हमने इसी तरह लंबाई में काट ली है। मैंने 2 कप चावल लिए थे जिसको मैंने आधे घंटे के लिए भुगो के रख दिया था, और फिर मैंने आधे घंटे बाद इसको बॉयल कर लिया है। इसको आपने फुल बॉयल करना है और बीच में बिल्कुल कनी नहीं रखनी। मैंने 400 ग्राम बोनलेस चिकन लिया है और इसको इस तरह से लंबाई में काट लिया है। अब हम इसमें मसाले मिक्स करेंगे, ओरिगैनो, कुटी लाल मिर्च, नमक और पिसी लाल मिर्च, इन चीज़ों को हम मिक्स करेंगे। फिर इसमें हम लहसुन का पेस्ट डालेंगे, सोया सॉस डालेंगे, सिरका डालेंगे, चिली गार्लिक सॉस डालेंगे, और फिर दोबारा से हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और इसको 1 घंटे के लिए हम फ्रिज में रख देंगे अच्छी तरह मिक्स करने के बाद। चिकन अच्छे से मैरिनेट हो गया है। अगर आपके पास वक्त कम है, 1 घंटा आप नहीं रख सकते, तो आप आधे घंटे के लिए रख सकते हैं। अब हम एक कढ़ाई लेंगे और उसमें 1/2 कप ऑयल डालेंगे, और नीचे चूल्हे की फ्लेम हम मीडियम रखेंगे। ऑयल हमारा गर्म हो गया, अब हम इसमें मैरिनेट किया हुआ चिकन डालेंगे। और इसको 1-2 मिनट के लिए हम पकाएंगे। इसके बाद हम इसमें प्याज शामिल करेंगे, 1-2 चम्मच चलाएंगे। और ढककर हम इसको चिकन और प्याज गलने तक पकाएंगे। चिकन हमारी गल चुकी है, अब हम इसको थोड़ी देर भूनेंगे। इतना भूनेंगे कि इसका ऑयल बाहर निकल आए। चिकन हमारी अच्छी तरह से भुन जानी चाहिए। इसको भूनने में मीडियम फ्लेम पर 3 से 4 मिनट लगेंगे। चिकन हमारे अच्छे से भुन गया है, अब हम इसमें शिमला मिर्च डाल देंगे, रेड वाली भी और ग्रीन वाली भी, और इसको 1 से 2 चम्मच चलाएंगे। हमने इसको गलाना नहीं है, जिस तरह ये खड़ी खड़ी है इसी तरह ही रखनी है। अगर हम इसको गलाएंगे तो इसका कलर ख़राब हो जाएगा। इस स्टेज पर हम इसमें काली मिर्च डाल देंगे। काली मिर्च हमने इसीलिए पहले नहीं डाली, अगर हम काली मिर्च पहले डाल देते तो इसकी ग्रेवी जो है ब्लैक हो जाती। अब हम इसमें चावल शामिल करेंगे और चावल को हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। चावल अच्छे से मिक्स हो गए हैं, अब हम चूल्हा बंद कर देंगे और अब हम इसको प्लेट में निकालते हैं। चिकन फजीता राइस तैयार हैं। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई है तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।